नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस कर लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेटिट्यूब, ठीक है। और उसके अंदर मैंने सारा डिस्कस करने के बाद हमारा एक टॉपिक बच गया था, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेटिट्यूब ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेटिट्यूब ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट में तीन चार चीज़ें आती हैं। एक होता है कॉडिफाइंग, एक होता है कंसोलिडेटिंग, एक होता है रेमिडियल, एक होता है इनेबलिंग। कॉडिफाइंग क्या होता है भाई? कॉडिफाइंग का मतलब होता है कि ये कोई लॉ नहीं है, ठीक है। और जब भी जज अपना फैसला ले रहा होता है तो क्या करता है, पुरानी पास्ट जो केसेस होते हैं उनको देखता है, ठीक है, कि इस केस में क्या हुआ था, ठीक है। कोई इसको एंशियंट टेक्स्ट, कोई पुराना टेक्स्ट मिल जाता है वो उसको प्रेफर करता है, और अदर फैक्ट्स को, जैसे कि आप हिंदू मुस्लिम के जो केसेस होते हैं या और कोई रिलीजन केसेस होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वो पुराने कोर्ट्स की जजमेंट्स को देखते हैं कि भैया तब ये कह दिया गया था, एंशियंट फैक्ट्स आपको वहाँ क्या निकला, जमीन खोदी तो, और दूसरे फैक्ट्स को मिलके, मतलब वो सबको जोड़ के जो स्टेटिट्यूब बनाया जाता है उसे कॉडिफाइंग स्टेटिट्यूब कहा जाता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं व्हाट इज कॉडिफाइंग स्टेटिट्यूब, ठीक है। वेन वी कॉन्सिडरेटिंग मतलब जब हम इकट्ठा करते हैं, कलेक्टिंग करते हैं, कॉन्सिडरेट करते हैं जुडिशियल डिस्कशंस, मतलब अर्ली जुडिशियल डिस्कशंस, प्लस एंसिएंट टेक्स्ट, पुराने हमारे टेक्स्ट, और अदर फैक्ट्स, दूसरे फैक्ट्स और कस्टम को, एंड वी मेक वन स्टेटिट्यूब, वेन वी मेक पर्टिकुलर स्टेट्यूट, हम एक पर्टिकुलर स्टेट्यूट बना देते हैं नॉन एज क्वालिफाइंग, उसे क्वालिफाइंग स्टेट्यूट बोलते हैं, ठीक है। पुरानी सारी चीज़ों को जोड़ा और बना दिया, तब एक कानून बना, ये कानून नहीं था, सब चीज़ों को जोड़ के एक लॉ बना दिया, स्टेट्यूट बना दिया, ये हो गया आपका क्वालिफाइंग। लाइक एग्जाम्पल हिंदुइज्म सक्सेशन एक्ट, ये इसका एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं कॉन्सोलिडेटिंग, कॉन्सोलिडेटिंग का मतलब ही बात हो रहा है, कौन सी डिलेट, इधर पकड़ इधर पकड़, कॉन्सोलिडेट कर। देखो कॉडिफाइंग और कॉन्सोलिडेट में इतना ही फर्क है कि जो कॉडिफाइंग है वो कोई लॉ नहीं होता, उसको हम अलग अलग चीज़ों को जोड़ के, प्रीवियस चीज़ों को जोड़ के फिर हम उसको एक स्टेट्यूट, एक लॉ बनाते हैं। कॉडिफाइंग क्या होता है, इसके अंदर जो लॉ होता है उसके अलग अलग टुकड़े टूटे हुए होते हैं, मतलब थोड़ा इधर उधर इस कानून में ये, इस कानून में ये, और हम उन कानून को जोड़ के एक कानून बना देते हैं, एक स्टेट्यूट बना देते हैं, नॉन एज कंसोलिडेशन, ठीक है। व्हेन लॉ इन इंग्लिश मैन लॉ इज सेक्टेड, जब लॉ जो हमारा कानून होता है सेक्टेड होता है इन मल्टीपल पीसेज, अलग अलग पीसेज में, एंड वी कलेक्टिंग, और हम उन सभी पीसेज को कलेक्ट करते हैं एंड मेक वन स्टेट्यूट बना देते हैं, नॉन एज कॉन्सिडरेटिंग स्टेट्यूट से कॉन्सिडरेटिंग स्टेट्यूट कहते हैं। अब बोलते हैं रेमेडी स्टेट्यूट, रेमेडी स्टेट्यूट क्या होता है, और वेलफेयर, इसको आल्सो नॉन एज वेलफेयर रेजुलेशंस कुछ कहा जाता है इसको। तो दीज आर दो स्टेट्यूट, वो स्टेट्यूट होते हैं विच ब्रिंग इम्प्रूवमेंट, जो कि इम्प्रूवमेंट लाते हैं इन सोसाइटी में और बेटरमेंट लाते हैं सोसाइटी में, ठीक है। तो रेमेडियल स्टेट्यूट वो स्टेट्यूट होते हैं जो कि बेटरमेंट लाते हैं सोसाइटी के अंदर, इम्प्रूवमेंट लाते हैं सोसाइटी के अंदर, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसा क्यों बोला भाई, जैसे कि एग्जांपल मैटरनिटी एक्ट, पहले जो मैटरनिटी एक्ट था उसमें कोई छुट्टी नहीं मिलती थी, लेकिन उस स्टेट्यूट को बदला गया, उसमें अमेंडमेंट किए गए, और फिर उसके अंदर जो चेंजेस लाए गए उसकी वजह से अब 6 मंथ की जो है हॉलीडे एक फीमेल को मिलती है, तो ये एक इम्प्रूवमेंट होती है, रेमेडियल स्टेट्यूट हुआ एक तरह का, ठीक है। ठीक है, मतलब जब भी कोई भी ऐसा स्टेट्यूट, जो ये वो स्टेट्यूट होते हैं, कोई भी ऐसा स्टेट्यूट जो कि इम्प्रूवमेंट लाए सोसाइटी के अंदर, नॉन एज रेमेडियल स्टेट्यूट। अब बात करते हैं इनेबलिंग स्टेट्यूट, इनेबलिंग स्टेट्यूट आर दो स्टेट्यूट, इनेबल स्टेट्यूट वो स्टेट्यूट होते हैं जो कि आपको इनेबल करते हैं और गिव मोर पावर, ठीक है, आपको इनेबल कर देते हैं किसी एक्ट को करने के लिए, या आपको ज़्यादा पावर दे देते हैं, मतलब कोर्ट से कोई आदेश मिला के आपको आप ये कर सकते हो और आपको पावर मिल गई। बट बिफोर इम्प्लीमेंट ऑफ दिस स्टेट्यूट, इफ़ यू आर डूइंग दैट पर्टिकुलर एक्ट, अगर आप स्टेट्यूट के इम्प्लीमेंट होने से पहले ही आप उस एक्ट को करते हो तो वो अनलॉफुल माना जाएगा, जब कोर्ट ने आदेश दिया तब आप उसको करते हो तो वो आपके ऊपर वो नहीं माना जाएगा, मतलब अनलॉफुल नहीं माना जाएगा, तो ये इनेबलिंग स्टेट्यूट, ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर कुछ आ जाते हैं, छोटा सा एक जो मैंने भूल गया था, मैं एक पीनल स्टेट, ये पीनल स्टेट क्या होता है भाई, ये पीनल स्टेट्यूट क्या होते हैं, स्टेट नहीं स्टेट्यूट, पीनल स्टेट्यूट वो स्टेट्यूट होते हैं जो कि आप उन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। इसमें लिखा होता है पीनल स्टेट्यूट आर दो स्टेट्यूट इन विच इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग, आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, अगर आपके ऊपर लगता है आपको फॉलो नहीं करते हैं उस कानून को तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। एक स्ट्रिक्टली पीनल स्टेट्यूट होता है, स्ट्रिक्ट पीनल स्टेट्यूट मतलब कहता है कि ये स्टेट्यूट जो है वो आपके ऊपर लगेगा और आपको इसको फॉलो करना होगा, अगर आप इसे फॉलो नहीं करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टीज लगेंगे। अब टैक्सेसिंग स्टेट्यूट क्या होता है, टैक्सेसिंग स्टेट्यूट वो स्टेट्यूट होता है विच आर यू मेड फॉर कलेक्टिंग कलेक्ट द टैक्सेस, जो कानून बनाएंगे टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। अबेडमेंट स्टेट्यूट क्या होते हैं,
अपॉइंटमेंट स्टेट्यूट्स मीन्स आर दोज स्टेट्यूट्स विच थ्रू विच वी आर डूइंग अपॉइंटमेंट, जिसके द्वारा हम अपॉइंटमेंट कर रहे हैं हमारे लॉ में, एक्ट्स में और हमारे स्टेट्यूट में. दीज आर द अपॉइंटमेंट स्टेट्यूट्स. रीअपीलिंग स्टेट्यूट्स, रीअपीलिंग क्या मतलब कहते हैं, जिसमें के अंदर रीअपीलिंग स्टेट वो स्टेट होते हैं जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी स्टेट को रिवोक करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ऑल दोज चीज़ें करते हैं, ये हो गया रीअपीलिंग स्टेट्यूट्स. उसके बाद आता है डिक्लेरेटिव स्टेट्यूट्स. डिक्लेरेटिव स्टेट्यूट्स क्या होते हैं, जब भी कोई कानून बनता है, ठीक है, लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया और वो पार्लियामेंट से अप्रूव हुआ, ठीक है इंप्लीमेंट हो गया, लेकिन जब वो जाता है इंटरप्रिटेशन के लिए तो उससे पहले क्या होता है, जो इंटरप्रिटेट करने वाला होता है ना उसका कुछ अलग मतलब निकाल देता है. ठीक है, हमने कानून बनाया कुछ, मतलब कानून मतलब गवर्नमेंट ने कानून बनाया कुछ और उसका इंटरप्रिटेशन कोर्ट में वकील जो है, भाई जी ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा इसका मतलब ये है. तो क्या होता है, इसके अंदर क्या होती है, जो गवर्नमेंट होती है वो समझदार होती है, लेजिस्लेचर होता है समझदार होता है, वो पहले ही डिक्लेरेटिव एस्टिट्यूट दे देता है उसके अंदर, उसके अंदर पहली कथा लिखी होती है कि भाई ये इंस्टीट्यूट जो है इसी पर्पज के लिए बना है और इसका यही मतलब समझा जाए और कोई मतलब ना समझा जाए. इंग्लिश में व्हेन दीज आर द इंस्टीट्यूट व्हेन लेजिस्लेटर मेड ठीक इंस्टीट्यूट तो व्हाइल आर दो इंस्टीट्यूट व्हेन ठीक है दीज आर दो इंस्टीट्यूट हैं व्हाइल गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर मेड द सेम दे कीप माई थिंग्स इन माइंड that later on there is no use of misinterpretation by or in any courts. That's why they gave declaration that particular statute is for that particular aim or purpose only, not as declarative statute. ठीक है, मतलब जिस purpose का उसको पहले define कर दिया, तो मैंने आपको ये भी बता दिया. अब इसके अंदर एक मैं छोटा सा और जोड़ देता हूँ, जुडिशियल एक्टिविज्म, मतलब एक वीडियो है उसके लिए मैं अलग सा टॉपिक नहीं बनाना चाहता था, इसी में जोड़ देता हूँ. तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है भाई, जुडिशियल एक्टिविज्म जो है सबसे पहले अमेरिका में आया था 1947 जो हमारा देश आज़ाद हुआ था, और इंडिया में आया था एमरजेंसी के अंदर. तो जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ सिनेरियो, जुडिशियल वो सिनेरियो होता है व्हेन जजेस यूज देयर पर्सनल विजडम, जो जज होता है वो अपना पर्सनल विजडम, पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल व्यू यूज करता है व्हाइल दे आर टेकिंग डिस्कशन, जब वो डिसीजन ले रहा होता है तो वो अपना पर्सनल माइंड, व्यू, ओपिनियन, ये सब सारी चीज़ें यूज करता है, ठीक है, और फिर डिस्कशन लेता है. ठीक है, तो ये होता है जुडिशियल एक्टिविज्म. अब जुडिशियल रिव्यू भी जोड़ देता हूँ उसमें. जुडिशियल रिव्यू ये होता है, एक कानून बना, ठीक है, और कानून पार्लियामेंट से अप्रूव होके वो आ गया कोर्ट के अंदर, ठीक है, लेजिस्लेचर से पास हो गया सब कुछ, ओके, बट जुडिशियल सिस्टम को ऐसा लगता है कि ये जो कानून है ये अप्रोप्रिएट है, ये हमारे लॉ फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है, तो वो उसे जुडिशियल रिव्यू के अंदर डाल सकते हैं कि उसको करेक्ट करने के लिए, नॉन एज जुडिशियल रिव्यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइस, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.